भोज विश्वविद्यालय में सतना से आए हुए देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मैं सतना से आया हुआ हूँ। मैंने ऑनलाइन माइग्रेशन के लिए फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। बीएड की तैयारी कर रहा हूँ, बीएड में एडमिशन ले रहा हूँ लेकिन माइग्रेशन नहीं मिलने के कारण एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। आज वे भोज यूनिवर्सिटी माइग्रेशन लेने पहुंचे जहां कुलपति ने उनसे कहा कि आपके पते पर ही माइग्रेशन आएगी। ये स्टूडेंट 2 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं और ये स्टूडेंट केवल इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से कम 20 स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं जिनको कुलपति ने आश्वासन देने कब वापस पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में उनका क्या भविष्य होगा? संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाम बताइए। मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी सतना से यहाँ भोपाल माइग्रेशन के लिए आया हुआ हूँ। तो यहाँ पता चला कि यहाँ माइग्रेशन अभी नहीं दिया जाएगा, बोल रहे हैं कि आपके पते में 1 हफ्ते बाद पहुँचेगा। यहाँ तत्काल अभी ज़रूरत है, हमारी 25 तारीख को बीएड की लास्ट डेट है और वहाँ मांगा जा रहा है। उस कारण से माइग्रेशन न मिलने के कारण हम लोगों का एडमिशन रुक जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। आपने कब अप्लाई किया था? हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था 1 हफ्ते पहले, तो वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा, अभी ढूंढवा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ कोई सुन नहीं रहे। ऐसे लोग आए? ऐसे हम लोग 10 लोग हैं कम से कम, तो किसी की भी सबको ऐसे अड़ंगा लगा के बरकला रहे हैं। सब सतना से हैं कि मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश सतना, सभी जिले से लगभग हमारे साथी आए हुए हैं लेकिन सब परेशान हो रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें तत्काल फीस जो हो यहाँ की दी जाए और तुरंत हमें माइग्रेशन दिया जाए। नाम बता दो आपको। देवेंद्र त्रिपाठी। तो बता दिया।